नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है एचएस बिहार चैनल पर आपका। रिया सिन्हा आपके साथ है। आज धनतेरस है। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली के दो दिन पहले धनतेरस मनाया जाता है, कुबेर की पूजा भी की जाती है। इस बार डेट को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है। कुछ लोग 13 को भी धनतेरस मना रहे हैं, कुछ लोग 12 को ही धनतेरस मना रहे हैं। और इसी से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन हम आपको बताने जा रहे हैं जो शायद अभी तक आपको उतने अच्छे तरीके से नहीं पता होगा। हम सबको पता है कि धनतेरस के दिन बर्तन, फिर गाड़ियाँ, ये सब खरीदी जाती है, कॉपर के बर्तन भी खरीदे जाते हैं। लेकिन बहुत ध्यान कर देने वाली बात यह है कि बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है कि आज के दिन कौन सी चीज़ें नहीं खरीदी जाती हैं। हमारे परंपरा के अनुसार सबसे पहले तो आपको बताऊं कि आपको लोहे का सामान धनतेरस के दिन नहीं खरीदने चाहें, यानी कि धनतेरस के दिन लोहे का सामान खरीदने से आप बचे। रही बात कांच की, तो कांच का सामान भी भूल कर भी आप ना खरीदें। इसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी। स्टील भी आपको नहीं खरीदने चाहिए। धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा है, यह हम सबको पता है। लेकिन आपको हम बताएं कि स्टील भी लोहा का दूसरा ही रूप है। कहा जाता है कि स्टील के बर्तन भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदने चाहिए। स्टील के बजाय मैं उसका आपको बता दूँ ऑल्टरनेट, तो उसके बजाय आप कॉपर या ब्रॉन्ज के बर्तन खरीद सकते हैं। कांच की सामान की बात करें तो कांच का सामान भी आज नहीं खरीदने जाने चाहिए, क्योंकि राहु ग्रह से कांच का संबंध होता है। इसलिए धनतेरस के दिन कांच की चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। और धनतेरस के दिन आपको अगर आप धनतेरस के दिन खरीदारी के लिए निकले तो खास तौर से यह ध्यान दें कि चाकू, कैंची व दूसरे धारदार हथियारों को खरीदने से बिल्कुल बचना चाहिए। और अब एक अहम बात कि आपको धनतेरस के दिन क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको बताएं कि आज के ही दिन आपको लक्ष्मी माता तथा गणेश जी की मूर्ति खरीदनी चाहिए। आपको हम बताएं कि यह आपके लिए सौभाग्य, सुखदायक और शुभता प्रदान करने वाला होगा। माता लक्ष्मी की धन वर्षा करती हुई मूर्ति दिवाली के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो आज आप लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति खरीद सकते हैं। और ख़ास तौर से झाड़ू की बात हम आपको बताएं तो आज जो है झाड़ू भी खरीदने की प्रथा है, और इसीलिए है क्योंकि यह दरिद्रता का नाश करती है और माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है झाड़ू। मान्यता यह है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने पर घर से सकारात्मकता का संचार होता है। वहीं एक और अहम बात आपको बताएं तो आज आप यम का दीपक अपने घरों के बाहर जलाएं। अकाल मृत्यु से बचने के लिए धनतेरस के दिन प्रदोष काल में घर के बाहर यमराज के लिए एक दीपक जलाया जाता था। इसे यम दीपक या यम का दीपक भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से यमराज प्रसन्न होते हैं और वो उस परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु से रक्षा करते हैं। तो ये डिटेल इन्फॉर्मेशन हमने आपको धनतेरस के बारे में दिया है। और आज क्या माहौल है पूरे पटना का, ये भी हम आपको दूसरे वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। तो आप तब तक हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो आगे भी शेयर करें, अपने परिवार वालों को शेयर करें और ख़ास तौर से सकारात्मकता बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपको।